संविधान बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने रविवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 10% आरक्षण दिए जाने के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया। धरने पर मौजूद जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। धरने में संघर्ष समिति के धीरज कुमार, एडवोकेट विक्रम दास, प्रियंका भारती, विमला यादव, रेणु गुप्ता, उषा रानी, ओम प्रकाश साहनी, डॉक्टर रमेश चंद्र साहनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संविधान बचाओ संघर्ष समिति के जिला संयोजक एडवोकेट सीपी पासवान ने कहा, एडवोकेट सीपी पासवान, जिला संयोजक संविधान बचाओ संघर्ष समिति। हम गोरखपुर में नगर निगम पार्क में संविधान के विरोध में जाकर के जो आर्थिक आधार पर फैसले लिए गए हैं, उस फैसले के विरोध में हम लोग पूरे भारत में 550 जिलों में हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले चरण में हम लोग तहसील स्तर पर करेंगे, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर करेंगे, उसके बाद 5 मार्च को हम लोग पूरा भारत बंद करेंगे। जब तक ये संविधान विरोधी फैसले नहीं बंद किए जाएंगे, हमारा ये संघर्ष चलता रहेगा।